हेलो गाइस, मेरा नया वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत करते हैं। अब मैं 3 दिन से अच्छा नहीं थे, आज थोड़ा अच्छा लग रहा है। जो धूप निकले है, 3 दिन से एक ही ढाबा में रहना पड़ा, खाना वहीं पे सोना, आगे जा ही नहीं पाए, इतना ज़्यादा जो बारिश हो रहा था। मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ, यहाँ पे कहीं कहीं जगह रेड अलर्ट है, मतलब बाढ़ के लिए, बाढ़ आया है। ये देखिए जो नदी दिखाई दे रही है, मेची नदी है। इस नदी में पानी ज़्यादातर रहता ही नहीं, लेकिन बारिश तो है, देखिए कैसे इसका वो हो गया। अभी थोड़ी ही देर में पहले निकले हैं, क्योंकि सुबेरे भी मतलब बादल छाए हुए थे, तो अभी निकले हैं। चलिए आगे दिखाते हैं। चले हैं दुकान पर, यहाँ पे खा रहे जलेबी समोसा, 25 रुपया का जलेबी है, ढेर सारा दे दिया है, मैं खा भी रहा हूँ ऐसे, बहुत बढ़िया है यार, खाना खा के फिर आगे जाएंगे। हम लोग रोड पे साइकिल खड़े करिए, दादा भी साइकिल लेके ऊपर खड़े हैं। ये डिस्ट्रिक्ट तो किशनगंज ही है, लेकिन जगह के बारे में मुझे पता नहीं, कहा जगह का नाम पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो हालात है, रोड के ऊपर से पानी बह रहा है, अभी दिखा रहे हैं। बहुत मजा आया भाई, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ ऑन कैमरा कि मैंने एकदम सुना ही, ध्यान ही नहीं दिया सीधा। कोई बात नहीं भैया, ऐसा होता रहता है। नाम बता दो अपना। मेरा नाम नीलेश द्विवेदी है भैया, नीलेश द्विवेदी है भैया, द्विवेदी ना, द्विवेदी है भैया, आया गोरखपुर से, गोरखपुर यूपी से हूँ मैं। ये मेरा 27वां दिन है ट्रैवलिंग का, और मैं अयोध्या, बनारस, गया और राजगीर, नालंदा होते हुए जो है अभी निकल रहा हूँ सिलीगुड़ी की साइड, सिलीगुड़ी में जो है। हाँ, आगे जाने सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान से प्रे करेंगे जो तुम्हें जाने के लिए, जब तक तुम पहुँच गए तब तक सब जो आपदा है ठीक हो जाए। चलो ठीक है, मिलके तो मुझे बहुत लगा, अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, फिर भी भाई से फिर एक बार वो कर लेते हैं। अरे बिल्कुल, बहुत एक्चुअली अभी हम लोग बातें करेंगे, वो चीज़ें भैया आपको बाद में डिस्कस करेंगे, आपको वीडियो में बताएंगे। जरूर 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 जरूर। तो यहाँ पे भी फिलहाल हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं, और बातें करके ही इधर उधर निकलेंगे इधर से। हाँ हाँ, तो ओके थैंक्स। हम लोग मंदिर पे रुके हैं, तो यहाँ पे ये भैया आया था, हेल्प कर दिया, ये लाइट वाइट जला दिए हैं, बोले आगे कोई दिक्कत होगा तो बताना। तो ऐसे हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, तो भैया यहाँ से चले गए, जाके अचानक फिर आ गए, आके हम लोगों को पाव नमकीन वगैरह सब दे दिए हैं। बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, बाहर निकलने के बाद ना ऐसे हेल्प मिलता रहता है, और इन्हीं लोगों की वजह से ट्रैवलर लोगों को बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते। भैया नाम बता दो थोड़ा। मेरा नाम नरेश कुमार मंडल हुआ। भैया का नाम नरेश कुमार मंडल, खानपुर चौक हुआ, जो कि हर ब्लॉक हुआ, अररिया जिला हुआ और बिहार। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को पहले बताया, मंदिर में आके रुके हैं, यहाँ का लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो पहले भी दिखा है आप लोगों को। अब और कितना हेल्प मिल सकता है लोगों को, कैसे लोग हेल्प कर सकते हैं, यही आप लोगों को दिखाना है। ए भाई लोग बैठ यहाँ पे खड़े हैं मंदिर पे, हम लोग खाना बना रहे हैं। भैया लोग, भैया ने तो पहले दिखा दिया, भैया ने हमारा नाश्ता का व्यवस्था कर दिया,
भैया ने आलू के व्यवस्था कर दिया, आलू नहीं सब्जी का पूरा व्यवस्था कर दिया है। ये बच्चे लोग पानी वानी ला के दे दिया है, साथ में थाली वाली जो भी चाहिए सब लेके आ रहे हैं। भैया भी मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर वाली है वो, तो ये लोग इतना हेल्प कर रहे हैं ना। हेल्प हमें बहुत जगह से मिला है, जितना जगह गया है हर जगह मिला है, लेकिन ये लोग मैंने हमारे सामने खड़े होके हमारा सब कुछ व्यवस्था कर दे रहे, ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार। हमारे पास तो गैस नहीं था, खरीदने के लिए गए थे आज, लेकिन खरीद नहीं पाए क्योंकि महंगा बता रहा था वहाँ पे। तो नीलेश भाई से मुलाकात हो गया, तो नीलेश भाई बोले चलो भाई हमारे पास गैस है तो हम लोग खाना यहाँ पे ही बनाएंगे। सब्जी नीलेश भाई ने ही बनाया है, आलू परवल के सब्जी। अभी चावल नीलेश भाई बैठा के गए हैं, लेकिन दादा अभी उसका तदरीक कर रहे हैं, तदारक ही बोलते हैं ना देखभाल, हाँ उसका देखभाल कर रहा है। गैस भी मतलब थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पहले दिखा है लेकिन अभी दिखा रहे चावल सब्जी, पत्तल भी है यार वो भी देख लेना, खीरा भी है, हरी मिर्च भी डाला गया है लेकिन कहाँ है पता नहीं, है भैया कहीं, चलिए खा लेते हैं। एक बात ऐसे कहना है जो मेरा वीडियो को शेयर कर देना भैया, कमेंट कर देना कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, और लाइक कर देना। जो लोग देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, और जो लोग किए हो उनके लिए धन्यवाद, जो करोगे वो भी धन्यवाद, जो नहीं करोगे उसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलेंगे नया वीडियो पे, सब अच्छा रहिए, खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।